तो कल से नामांकन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए शुरू हो रही है और पौड़ी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी 26 मार्च को नामांकन भरेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और अनिल बलूनी नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा भी शामिल होंगे। तो स्मृति ईरानी भी इस दौरान मौजूद रहने वाली है, उनकी मौजूदगी में नामांकन भरा जाएगा जो जानकारी मिली है। और पांचों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार कौन कौन हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी, टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी और इसके साथ ही नैनीताल और अल्मोड़ा में अजय भट्ट और अजय टमटा नामांकन भरेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं भारती सकलानी, देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भारती, कल से ही नामांकन भरे जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने तय किया है कि 22 मार्च के बाद सभी उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। कह सकते हैं कि रैलियों को लेकर, जनसभाओं को लेकर, नामांकन भरने को लेकर बीजेपी ने रणनीति अपनी तैयार कर ली है। बिल्कुल, कल देर रात तक सीनम ये मीटिंग्स चलती रही जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और यहां पर टाइम लिए गए मुख्यमंत्री के भी कि वो किस दिन रह सकते हैं नामांकन के दौरान। और उसी के बाद बीजेपी ने पूरा नॉमिनेशन का प्लान बनाया है। कल से ही बीजेपी अपने सभी कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन शुरू करने जा रही है। कल, जैसा कि आपने अभी डिटेल्स में बताया कि कहां कहां पर कौन कौन से प्रत्याशी का नॉमिनेशन होने जा रहा है, पौड़ी में नॉमिनेशन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। यहां पर एक बड़ा रोड शो भी करने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उन्होंने कल ही अपना रोड शो भी किया पौड़ी में, कोटद्वार में, हम सब ने देखा। और उसके बाद अब 26 तारीख को जब वो अपना नॉमिनेशन करेंगे उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां पर मौजूद रहेंगी, चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। तो तमाम बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जितने भी कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन होंगे उसके बाद एक बड़ा शो भी यहां पर होने जा रहा है। 23 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 23 तारीख को हरिद्वार में बीजेपी एक बड़ा रोड शो करने वाली है, बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित करेगी, जबकि यहां के जो कैंडिडेट है त्रिवेंद्र सिंह रावत वो ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन करेंगे 22 तारीख को। इसी तरीके से अल्मोड़ा की बात कर ले, पौड़ी के जैसे अभी डिटेल मैंने बताया, इसके अलावा टिहरी की भी बात कर ले, तो यहां पर अपने तमाम जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के उनके नॉमिनेशन को बड़ा भव्य दिव्य बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती।